स्वागत बच्चों, आज मैं आप लोग को संस्कृत गद्य में संस्कृत गद्य में द्वितीय अध्याय आदि कवि वाल्मीकि का पुनरावृत्ति कार्य कराऊंगी। रिवीजन वर्ग वेद मूर्ति चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए उनके सामने
और महामुनि उद्गम में महामुनि के पास जाकर के संस्कृतम उवाच, हंस करके बोले महामुनि आपन अनुकंपा ही माताम सहजो धर्मा। हे महामुनि, आपत्ति में फंसे हुए लोगों का उपकार करना ही मनुष्यों का धर्म होता है। श्लोकम श्रोतया, श्लोक बोल करके त्वया स्वेष एव धर्मो पालित, तुमने तो अपने धर्म का पालन किया है। इस श्लोक को बोल करके तुमने तो अपने धर्म का पालन किया है। तत् अत्र न विचारा कार्य, यहाँ पर यह विचारणीय कार्य नहीं है, तुम्हें विचार करने योग्य नहीं है। सरस्वती मत छंदा देव त्वया प्रविया, सरस्वती मेरी कृपा से तुम्हारे में प्रवेश हो रही है। सांप्रतम यथा नारद सुश्रुतम, सांप्रति यथा में जैसा नारद सुतम नारद द्वारा सुने हो तथा वैसा तुम श्रीमद् भगवतो रामचंद्र से कृष्णम चरितम वर्णन, तू वैसा भगवान राम के चरित्र का वर्णन कर डालो। मत प्रसादात निखिलम च रामचरितम, मेरी कृपा से संपूर्ण रामचरित्र तव विदितम भविष्य, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। किम बहुना, और अभी क्या, यावत मही तले, यावत जब तक मही तले पृथ्वी पर गिरी पर्वत सरित नदियां समुद्र अस्थापित रहेंगे तावत लोके, तब तक लोके संसार में रामायण कथा प्रचलित रहेगी। आदेश ऐसा आदेश दे करके भगवान नद ज्योति अंतर्नीत हुआ, भगवान ब्रह्मा जो है अंतर्नीत हो गया था, अदृश्य हो गए, अंतर्ज्ञान हो गए। ततो योग बले, उसी उन्हीं के योग बल से नारद उत्तम, नारद द्वारा कहा गया समग्रम संपूर्ण रामचरितम अधिगम है, रामचरित्र को जान करके गंगा तमस्यो अंतराले, गंगा और तमसा नदी के तट पर बैठ करके सप्तकांडात्मक सात कांड रामायण अख्याधिकम महाकाव्य, रामायण नामक महाकाव्य रचिया मास रचना कर डाले। तदनंतरम, इसके बाद मुनि ने विश्रमार्थम अपने विश्राम के लिए अर्थात आराम करने के लिए दो अपरा आश्रम भूतवान, दो और आश्रम बनाए थे। इसके बाद मुनि ने अपने विश्राम के लिए दो आश्रम और बनाए थे, एक चित्रकूट में अपरश कानपुर मंडल अंतर्गत और दूसरा जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मवर, जिसे आधुनिक समय विठुर नाम ही स्थान, जो इस समय विठुर नामक स्थान पर अत्र वहीं पर लव उसी जन्म हुआ, वहीं पे लव उसका जन्म हुआ था। एवं आदि कवि जैसा ख्यातो भव लोके महामुनि ब्रह्मर्षि, इस प्रकार आदि कवि वाल्मीकि जो है पूरे संसार में प्रसिद्ध है, अर्थात आदि कवि के यश से महामुनि वाल्मीकि पूरे संसार में जाने जाते, अर्थात सबसे पहले कवि, प्रथम कवि के नाम से पूरे विश्व में यह क्या है, प्रसिद्ध है। बच्चों, गद्य का द्वितीय अध्याय और कवि वाल्मीकि समाप्त हो गया। बच्चों, अब इसमें देखिए, इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग के टेस्ट में आए हैं, जैसे है आदि कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, चार ऑप्शन दे दिया, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, तो आदि कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, अभी पढ़े ना हम लोग कि आदि कवि के यश से वाल्मीकि पूरे संसार में प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है आदि कवि के नाम से, वाल्मीकि। वाल्मीकि किस नदी के, वाल्मीकि के नहीं, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि किस नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे, तमसा नदी के तट पर, वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम क्या था, अग्नि शर्मा था, शुरू पढ़ेगा ना हम लोग कि यह अग्नि शर्मा नाम के ब्राह्मण थे और पूर्व जन्म के साप के कारण जो है दूसरे का धन लूटना इनका कर्म बन गया था। प्राचेतस किसका नाम था, वाल्मीकि का ही नाम था, कि जब प्रचेतसा ने जल द्वारा करके इनके शरीर से मिट्टियां ढूंढी थी तब इनका नाम क्या पड़ा, प्राचेतस। रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि थे, रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। व्याघ्र ने किस पक्षी को मारा, व्याघ्र ने क्रोंच पक्षी को मारा। वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहा जाता है,
वाल्मीकि मुसलमान ईसा प्रतिष्ठान श्लोक का बहुत क्यों निकल पड़ा। वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन कैसा था? वह शुरू में क्या थे? वह लुटेरे थे, आते जाते पड़ते क्या करते थे, लूटते थे और उसी लुटेरे घर से अपने परिवार वालों का भरण पोषण करते थे। आदि कवि के मुख से मान ईसा प्रतिष्ठान श्लोक का बहुत क्यों निकल पड़ा? आदि कवि के नाम से मान ईसा श्लोक उस समय निकल पड़ा जब महामुनि जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हुए जा रहे थे, तो क्रोंच और क्रोंची को देखे। उसी समय एक शिकारी ने क्रोंच को मार करके घायल कर दिया और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा, तो क्रोंची करुण रुदन करने लगी। उसी समय क्रोंची के करुण रुदन को सुनकर महामुनि के मुख से यह श्लोक निकल पड़ा। वाल्मीकि वेदराम कथा का वास्तविक नाम क्या है? वाल्मीकि वेदराम कथा का वास्तविक नाम क्या?